हेलो किड्स, चलो हम अभी आर लिखना सीखते हैं। आर लिखने के लिए हमें बेसिक स्ट्रोक्स क्या क्या चाहिए? स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व और लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। ओके, तो चलो हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले हम स्टैंडिंग लाइन प्रैक्टिस करेंगे। स्टैंडिंग लाइन के लिए हम ऐसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे और लाइन ऐसे आएगा नीचे की तरफ। ये हो गया हम लोग का स्टैंडिंग लाइन। ऐसे ही हम बाकी का सारा प्रैक्टिस कर लेंगे। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। यह हो गया हम लोग का स्टैंडिंग लाइन। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा लेफ्ट कर्व। लेफ्ट कर्व के लिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे। एक कर्व करते हुए ऐसे नीचे की तरफ आएंगे। ओके, फिर ऐसे हम बाकी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। ऐसे ही तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट कर्व। फिर हम स्लैंटिंग लाइन करेंगे। ये कौन सा वाला स्लैंटिंग लाइन है? ये लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है। तो ये भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसे स्टार्ट, स्टॉप। इसे बाकी का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। स्टार्ट, स्टॉप। तो हमने अभी बेसिक स्ट्रोक सीख लिया। चलो अभी तीनों को मिला के हम आर लिखते हैं। आर लिखने के लिए हमें ये तीनों को मिलाना पड़ेगा। ओके, तो चलो फिर अभी हम आर लिखते हैं। आर लिखने के लिए यहाँ से फर्स्ट यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग का स्टैंडिंग लाइन। ऐसे हो गया स्टैंडिंग लाइन। तो फिर सेकेंडली हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम लोग का लेफ्ट कर्व बनाएंगे। यहाँ तक आ गया। फिर हम लोग का लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन करेंगे। तो ये तीनों मिलके हम लोग का आर हो गया। तो फिर से हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, आर। आर, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने आर लिखना सीखा। आर लिखने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए था? स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और ये दोनों मिलके हो गया आर। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।